टॉपिक लिया था वो था कि बीजांड की संरचना कैसी होती है, भ्रूणकोश जो भ्रूणकोश होता है उसकी संरचना कैसी होती है। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं कि जो बीजांड होती है उसके अतिआवरण वगैरह का निर्माण कैसे होता है, जो भ्रूणकोश होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो ये जो चीज़ें आएंगी वो जिस टॉपिक के अंदर कवर होती है वो टॉपिक होता है भ्रूणबीजांड। कल हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके की जो संरचना जो अंडाशय होता है उसके अंदर पाई जाती है, इसे हम बीजांड कहते हैं। बीजांड के अंदर बीचों बीच भ्रूणकोश होता है जो कि मादा युग्मक कहलाता है, और ये जो होता है इसके चारों तरफ मृदुत्व की कोशिकाओं का जो आवरण होता है उसको हम बीजांड काय कहते हैं ना। ये चीज हम लोगों ने कल देखी थी। तो इसी से रिलेटेड अभी टॉपिक है हमारा भ्रूण बीजाणु जनन। भ्रूण बीजाणु क्या होता है? भ्रूण बीजाणु वो संरचना है जो भ्रूणकोश या मादा युग्मक का निर्माण करेगा। भ्रूणकोश का मतलब हमने देखा था प्रतिकूल की कोशिकाएं अन्य समूह जो ये भूमि के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती है। तो ये इस भ्रूणकोश जो मादा युग्मक होता है इसके अंड कोशिका के साथ ही नर के अंदर क्या करेगा, निषेचन और नए भ्रूण का क्या होगा, विकास। ठीक है, तो ये जो भ्रूणकोश होता है वो मादा युग्मक होता है। इस मादा युग्मक का निर्माण करने वाली जो संरचना होती है भ्रूण बीजाणु होती है। तो इस भ्रूण बीजाणु का निर्माण कैसे हो रहा है अभी भी यही पढ़ा रही हूँ, कैसे भ्रूणकोश होता बनता है मैं ये पढ़ाऊंगी कि भ्रूण बीजाणु जो है वो कैसे बनता है, जो कि आगे चलकर इस भ्रूणकोश का क्या करने वाला है, निर्माण करने वाला है। तो लेट्स सी, सबसे पहले होता है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में ये होता है कि ये जो भ्रूणकोश होता है वो नहीं होता, ठीक है, और इस बीजाणु के अंदर ये जो अध्यावरण होते हैं वो भी विकसित नहीं होते। सिर्फ यहाँ पर बीजाणु काय पाया जाता है कि सूक्ष्म में मृदुत्व की कोशिकाओं के इस तरह से बीजाणु काय है और कोई सी संरचना देखने को मिलती है। एक तो बाह्य त्वचा देखने को मिलती है, ठीक है, फिर उसके बाद इसके नीचे की जो लेयर होती है कोशिकाओं की, सबसे पहले बाह्य त्वचा, फर्स्ट सेकेंड इसके नीचे पाई जाएगी अदर्स त्वचा। लाइक हम लोगों ने जो लघु बीजाणु जनन देखा था उसमें भी सेम थी ये पॉइंट, ठीक है। फिर इस अदर और बीच में जो है वो मृदुत्व की कोशिकाओं का जो समूह होता है वो पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें से एक कोशिका जो होती है वो अपना आकार क्या करती है, बढ़ा लेती है, सारी कोशिकाओं से साइज में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसे कि हम प्रस्तुतक कोशिका कहते हैं। और कैसे बढ़ाती है अपना आकार, उसके अंदर द्रव्यमान भी होती है, मात्रा बढ़ जाती है, डीएनए की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो कोशिका होती है सारी मृदुत्व की कोशिकाओं से एक कोशिका अपनी साइज बढ़ा लेती है, और इस कोशिका को हम प्रसूति या प्रसूत कोशिका के नाम से जानते हैं। तो पहली अवस्था ये होती है, पहली अवस्था के अंदर ये होता है कि प्रसूत कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है, कैसे होता है? निर्माण इस प्रकार से होता है कि जो सबसे पहले होता है बीजाणु जो होता है वो क्या होगा, उसके अंदर अध्यावरण नहीं होते, भ्रूणकोश नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ क्या पाया जाता है, मृदुत्व की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और उन मृदुत्व की कोशिकाओं के चारों ओर दो लेयर पाई जाती है, सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा और अंदर की ओर अधर त्वचा पाई जाती है। अब ये मृदुत्व की कोशिकाओं में से एक कोशिका अपनी साइज बढ़ा लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रसूतक कोशिका कहते हैं। अब सेकेंड स्टेज क्या होगा, इस प्रसूतक कोशिका के अंदर क्या होगा, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन देखा था आपने, इसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्स सेक्शन के रूप में जो कोशिका है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसके फलस्वरूप, इस डिवाइडेशन के फलस्वरूप, इस विभाजन के फलस्वरूप दो लेयर बनती है, बाहर की तरफ जो बनेगी, बाहर की ओर क्या बनेगी, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और अंदर की तरफ क्या बनेगी, ये नीचे वाली प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। सेम वही पॉइंट है जो किसमें चल रहे थे, लघु बीजाणु जनन के अंदर चल रहे थे। बाहर की ओर प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनेगी और अंदर की ओर ये वाली बनेगी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब प्राथमिक द्वितीय कोशिका जो है उसमें कई परिणत और अपना विभाजन इस तरीके से होता है। तो अपना जो परिणत विभाजन होगा वो क्या बन जाएगा, बीजाणु काय के अध्यावरण का इस तरीके से क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा द्वितीय उत्तक जो होता है उसका भी निर्माण होता है। तो इस तरीके की चीजें तो इधर हो गई। फिर आता है भ्रूण बीजाणु का निर्माण जो है ये मेन है, और इसमें क्या हुआ, पहला तो प्रसूति कोशिका में परिणत विभाजन हुआ था, दो चीजें बन गई, कोशिकाएं बन गई, प्राथमिक द्वितीय कोशिका बन गई, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका हो गई। अब बीजाणु जनन कोशिका में अपनत और परिणत क्या होते हैं,
विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगी, गुह बीजाणु मात्र कोशिकाएं, मतलब वो कोशिकाएं जो गुह बीजाणु का निर्माण करने वाली है। इस मात्र कोशिका के अंदर क्रोमोसोम 2 होते हैं, यहाँ लगता डबल क्रोमोसोम होते हैं। अब मात्र कोशिकाएं हमेशा कौन से विभाजन में जाएगी, अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन 2A नंबर ऑफ क्रोमोसोम में पेरेंट सेल में कितने बनेगी, 4 कोशिकाएं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे सबके अंदर, यही हो रहा है। तो ये गुह बीजाणु मात्र कोशिका है ये वाली, ओके। और इसके अंदर कौन सा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से जो संतति कोशिकाएं बन रही है उन्हें हम क्या बोलेंगे, गुह बीजाणु। कितने गुह बीजाणु बने हैं, टोटल 4 गुह बीजाणु बने हैं, ध्यान रखना। और नंबर क्रोमोसोम इस मात्र कोशिका से क्या हो गए हैं, आधे हो गए हैं। अब वहां पर आप लोगों ने देखो लघु बीजाणु चलन और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ तो सेम आया, यहाँ हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोल रहे हैं, वहां लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोल रहे थे, वहां पर भी 4 जो है लघु बीजाणु बन रहे थे, यहाँ 4 क्या बन रहे हैं, गुरु बीजाणु बन रहे हैं। बट डिफरेंस ये है कि लघु बीजाणु जनन के अंदर चारों जो लघु बीजाणु कोशिकाएं, यानी कि चारों की चारों नई कोशिकाएं बनी थी, वो क्या थी, सक्रिय थी, मतलब वो चतुष्टय का निर्माण कर रही थी, एक युग्मक के रूप में चारों के चारों बराबर काम करेंगे, लघु बीजाणु काम करेंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये जो तीन होती है वो तो नष्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो निभा की ओर जो गुरु बीजाणु रहेगा वो क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा, मतलब ये चलती है आगे चलती किसका निर्माण करने वाला है, भ्रूण कोशिका।